बहुत खुशखबरी वाली खबर निकल के सामने आ रही है। इस वर्ष एसएससी ने 2000 आपको पता होगा 2018 में एसएससी ने एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। दरअसल एग्जाम में आपको पता होगा कि जिस तरह से धांधली चल रहा था इस वजह से कई सारे एग्जाम कैंसिल करने पड़े, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2019 के स्टार्टिंग से ही आपके पेपर शुरू हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिनमें एग्जाम फिलअप कर रखा है एसएससी जीडी वगैरह के लिए। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट खबर है, क्या खुशखबरी आप लोगों के लिए। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन जरूर दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए मैं आपको लिंक ओपन करके दिखा रहा हूं। देखिए ये आपको पहले ऊपर ही नोटिस दिख रहा होगा। देखिए ये अभी थोड़ी देर पहले ही एसएससी ने नोटिस दिया है, नोटिस में आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम की तारीख जो है ये डेफिनेट तारीख है, यानी कि इस तारीख को एग्जाम होगा। 13 जनवरी को एग्जाम लिया जाएगा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेशन, जूनियर सिंधी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद इसी तरह से आपका सिलेक्शन पोस्ट, वो फोर्थ ग्रेड के लिए जो वैकेंसी निकली थी मैट्रिकुलेशन लेवल, हाईर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, उनकी भी डेट आ गई है 16/1/18/1/17/1/18/1/17 इस तरह सारी डेट आ गई है। एसएससी स्टेनो वालों के लिए भी खुशखबरी है, उनका भी डेट, उनका फाइनल एग्जाम कंडक्ट होगा 5 फरवरी और 7 फरवरी को, 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में होगा, यानी कि 6 फरवरी को पेपर होगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो जीडी की तैयारी कर रहे बहुत सारे बच्चे, आपको पता होगा काफी वैकेंसी थी, करीब 50,000 के आसपास वैकेंसी है जीडी में, उनका भी फाइनल एग्जाम का डेट आ गया। उनका डेट जो है एग्जाम का वो है 11 फरवरी 2019 से लेके 13 मार्च तक चलेगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। दिल्ली पुलिस एसआई के लिए, सीआईएसएफ में एएसआई के लिए जिन्होंने आवेदन किया उनकी भी डेट आ गई है, 13 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में उनका पेपर होगा। तो आप लोग अब पूरी तरह से एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाइए और बिल्कुल तैयार रहिए। 2019 में आपको ये लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले ही काफी सारी नौकरी लगने वाली है। तो आप जो पिछले वर्ष आप मायूस हो गए थे कई सारे एग्जाम कैंसिल होने की वजह से, उस मायूसी से बाहर निकलिए और एग्जाम की तैयारी में फटाफट लग जाइए। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम इस एग्जाम से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम सामग्री है वो भी आपको देते रहेंगे। किस तरह से रीजनिंग करनी है आपको, किस तरह का जीके आएगा, किस तरह के मैथ के क्वेश्चन करने, सारे कुछ हम लेके आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।